Hey guys, welcome back to another exciting video. So today I'm gonna take you to one of the most exciting places here in China, because today I'm gonna take you to one of the most important and fascinating place, that is the animal market. So let's do this video and come with me, and definitely you're gonna love this. ये जो भी देख रहे हो सामने आप, ये फिश है और फिश की डिफरेंट टाइप्स हैं, और उसके साथ जो है ना वो स्नैक्स हैं, और वो भी कोई इसी तरह की कोई चीज़ है यार, उसका मुझे पता नहीं। और आगे चलें तो ज़्यादातर ये इस मार्केट में ज़्यादातर फिशेज ही हैं, जैसा कि आप देख सकते। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये फ्रॉग्स हैं, ये जो बाउल में पड़े हुए हैं, ये श्रिम्प्स हैं, ठीक है, ये फ्रॉग्स हैं, बुल फ्रॉग्स, और ये फिशेज डिफरेंट टाइप्स की हैं। फिशेज काफ़ी ज़्यादा खाई जाती हैं। और एनिमल मार्केट में मौजूद हूँ, और आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेजी स्टफ देख सकते हो भाई साहब। ये चाइना है, आपको सब मिलेगा, सब, बस आपको खाना आना चाहिए, सब मिलेगा आपको। अच्छा, फिश की काफ़ी एक्साम है, ये स्टार फिश, ये फिश के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये भी फिश है, और ये भी फिश, फिश की काफी टाइप्स हैं यहाँ पे। अच्छा ये यार, ये कोई इंटरेस्टिंग चीज है, ये पता नहीं बिच्छू है या क्या है यार, ये बिच्छू तो नहीं लग रहा, वैसे कोई और चीज है, ये बड़ा भी यार है। और ये जो चीज है ना भाई, ये जो चीज है आप लोगों की फेवरेट, ये है भाई साहब स्नेक। ओहो भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मुझे डर लग रहा है यार। जो मैंने आपको दिखाया है आप वो भी ट्राई कर सकते हो। फिशेज मिल रही हैं, स्नेक मिल रहे हैं, बुल फ्रॉग मिल रहे हैं, और इस तरह से और पता नहीं कौन कौन सी बिच्छू भी शायद थे, आई एम नॉट श्योर, वो मतलब पता नहीं बिच्छू नहीं थे यार, वो कोई और ही चीज़ थी। तो मतलब काफ़ी कुछ मिल रहा है यार यहाँ पे, तो बस आपको मूड बनाना है अपना, और बस ट्राई करें। और ये सारा सी फूड है भाई साहब, सब खा सकते हैं आप, सब इंजॉय कर सकते हैं आप, तो दैट इज इनक्रेडिबल मैन। अच्छा ये भी एक मीट मार्केट है, यहाँ पे आपको मीट वगैरह मिल जाएगा इस तरह की, और वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये कम्युनिटी के अंदर जैसे हमारे यहाँ होती है ना किराना शॉप्स, ये वैसी हैं। जो सुपरमार्केट्स होती है ना वो सेपरेट होती हैं, वहाँ पे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी आपको, और मैं अक्सर वहाँ से ही बाय कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबल होती हैं चीज़ें, और कभी कभार इधर से भी ले लेता हूँ, लेकिन गोश्त वगैरह मैं इधर से नहीं लेता, वो मुस्लिम शॉप से ही मैं लेता हूँ। ओके, लेकिन वेजिटेबल वगैरह तो आप बाय कर ही सकते हो, ये कम्युनिटी के अंदर शॉप्स होती हैं। और ये मत समझना कि चाइनीज़ जो है ना वो स्नैक्स और बुल फ्रॉग्स वगैरह खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेगुलर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे आम लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। ये जस्ट फैंसी रेस्टोरेंट्स होते हैं कुछ, सिर्फ वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, और जो लोग शौक रखते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वाट एवर, वो उन फैंसी रेस्टोरेंट्स पर जाते हैं, और वो जो है ना वो एज़ आ दावत के तौर पर या एज़ आ मतलब फ़न के तौर पर वो लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन रेगुलर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें ममनू है, वहाँ पर नहीं मिलती।